देव कह रहा है मैं इससे ऐसा घर बनाऊंगा जैसे चाचू का। ये मेरा नहीं है बेटा, बहन बना रहा ना, ये बाबा का घर है। चलो ठीक है भाई। अरे यार लो और दू बता दो तुम। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और सुबह के 9:30 हो गए, आप सो के उठाओ। कल रात को लेट सोया था मैं, पता नहीं क्या हो रहा है इस बेड पे ना, जब सोता हूँ मैं तो सुबह टाइम ऐसा हो जाता 8:30, 9:30, 10:30 यही टाइम पे उठ पाता हूँ। और कभी कभी अचानक जब काम हो ना तभी मेरी सुबह 6 बजे नींद खुलती, नहीं तो नहीं खुलती। और बॉडी इतना दर्द कर रही है आज, पता नहीं आज क्या डेली दर्द करती है। करना पड़ेगा इस बेड का कुछ, चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो चलते अंदर देखते क्या हो रहा है। क्या बन रहा है खाना? चाय, चाय बना रही, चाय दे जल्दी। खाना बन गया है। आप सो गए? खाना बन भी गया। 9:30 बजे आप सो गए? नहीं उठोगे? वेरी गुड। क्या बनाया? ओ वेरी गुड, मेरे को अच्छा है। तो मेरे को तो अच्छी लगती है, तुम सो के उठोगी तभी तो खाना बनेगा। मेरा क्या काम है, बस मैं नल्ला आदमी, नल्ला बेरोजगार। अरे तो सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह 5 बजे उठना चाहिए। क्या करूँ 5 बजे उठ के? अभी 2 दिन कैसे उठे थे 5 बजे? क्या करूँ 5 बजे उठ के? फ्रेश फील होता है। आँखों में नींद भरी है तुम्हारे, फ्रेश फील हो रहा। चल गुड मॉर्निंग, क्या कर रही है? खेल रहे। चल मम्मी। नहीं चाय नहीं पीऊंगी, चाय घर घर। देव कह रहा है मैं इससे ऐसा घर बनाऊंगा जैसे चाचू का। ये मेरा नहीं है बेटा, बहन बना रहा ना, ये बाबा का घर है। हाँ इससे ऐसा घर बना दोगे? इससे बना देगा। वेरी गुड, मैं देखूंगा। बनाओ, बना दे, बना बनाओ, आप बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी, आप बना के देखा। वोट डालने जाओगे मम्मी? पापा जी वोट डालने जाओगे? किसको दोगे? अरे बताओ, हम वहाँ जाके पता लगेगा किसको दें। किस? मोदी जी को। आप? मोदी फेवरेट। मोदी फेवरेट, अच्छा चलो तो बढ़िया। तो मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, रोटी और भिंडी। उसके बाद पापा जाएंगे तहसील, कल पढ़ेंगे वोटिंग कल। तो आज जब जा रहा है रजत यहाँ से, मामा जी जा रहे हैं, भांजा आने वाला है। ये लो मेरी तरफ से भी। पता नहीं कब आए, हम तो आ रहा ना नोएडा। ये लो मेरी तरफ से 103 रुपए का टिकट आएगा। चलो अब आप कब आओगे? अब नोएडा चले जाओगे 2 दिन में? जून में। जून में आओगे? वेरी गुड, दिन वेरी गुड। मैंने कहा जाता जाता इसको गोलगप्पे और खिला दो। हाँ बेटा पेट भर के खाना, ठीक है? ठीक है रजत, रजत पेट भर के खाना। चलो ठीक है भाई। अरे यार लो, ठीक है और दूँ? 3 रुपए पहले दे दिए थे ना, और दूँ? बता दो तुम। तो फाइनली बैठा दिया है बस में मैंने, अब चलते हैं घर पे। तो अब स्वाति के लिए बना रहा हूँ मैं नींबू पानी, काम करके थक जाती है बेचारी, तो अब नींबू पानी बना रहे। कौन कौन पिएगा नींबू पानी? मैं। तुम तो पियोगी नींबू पानी, कौन कौन पिएगा? पी तो रहे हो पानी? ये देखो ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मैं भी पीऊंगा। नींबू पानी ठीक होती? ये आज बेसन का लड्डू उठा के ले गया बाबूजी। ये बेड फ्रिज में से कहाँ से ले जाएगा? टेबल पे रखे थे। तो गाइस अब और घर सुना सुना हो गया क्योंकि रजत भी चला गया है, बट खुशी इस चीज की कि हमारे दोनों बच्चे हैं, बच्चे अभी यहीं पर हैं, मोती है, तो इसलिए थोड़ा सा मन लग रहा है। नहीं तो मैं स्वाति और मम्मी पापा फिर से रह जाते अकेले। और अब ये जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक रहोगे ना? वेरी गुड। छोटा बाबू आएगा तब तक रहोगे ना? वेरी गुड। तो गाइज सिर्फ 34 दिन रह गए हैं और 15 तारीख आने वाली है। मैं तो बस ये लास्ट अल्ट्रासाउंड के बारे में सोच रहा हूँ,
कि कब ये लास्ट अल्ट्रासाउंड होगा और हमें फाइनल डेट पता चलेगी या आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। हाँ, वैसे हमें 15 जून बता रखी है। एक बार बोलो मत बाबू, 15 जून बता रखी है। तो आज 10 तारीख हो गई है, बस 4 दिन और रह गए। और क्या, 15 को जाएंगे ही, तो इसलिए 4 दिन। मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ। और गाइस अभी ब्लॉग इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि मैं बेबी के आने से आने का इतना नहीं है जितना अल्ट्रासाउंड के एक्साइटेड हूं। हां, क्योंकि उसमें दिखेगा, अल्ट्रासाउंड में चेहरा दिखेगा ना हमारा, इसलिए एक्साइटेड है। और गाइस अभी ब्लॉग इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि अभी स्वाति को भी थकान रहती है और पता नहीं मेरे भी पूरी बॉडी में क्यों थकान हो रखी है। तो इस वजह से अब मैं और स्वाति ही ब्लॉग बनाते हैं। और घर में क्या ब्लॉग बनाऊं, मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा, ना स्वाति मेरे साथ नहीं जा सकती, इस वजह से थोड़े 5-5, 6-6 मिनट के ब्लॉग हो रहे हैं, तो समझना मेरे को। जब एक बार बेबी आ जाएगा मैं आपको बेबी का चेहरा दिखा दिखा के पूरा 10-12 मिनट का कर दूंगा बस। और ये अकेले भी नहीं जा पाते, और मैं अकेले भी कहीं नहीं जा पाता क्योंकि अब इस चीज की टेंशन। बाबू एक मिनट चुप हो जाओ यार, वीडियो बना रहे। और इस चीज की टेंशन है कि अब मैं बाहर गया 1-2 दिन के लिए घूमने और यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, अभी कोई यहाँ पे है भी नहीं, बस पापा है, पापा तहसील जाते हैं और मम्मी भाभी और स्वाति है, तो साथ में रहना जरूरी है, तो इसलिए मैं साथ में रहता हूँ। और सुबह शाम तक स्वाति लेटी रहती है, थकान हो रखी है स्वाति को, सुबह शाम तक मैं लेटी रहती हूँ, नहीं काम करती हूँ, सुबह खाना बनाती है शाम को, लेकिन इसके पैर इतने दर्द हो जाते हैं, मैं डेली जाता हूँ, नहीं जाता तो इसलिए मैं सिचुएशन पर ये लोग नहीं समझते ना, सिचुएशन समझे नहीं, समझे तो सिचुएशन आप हमारी समझो। इसलिए अभी कभी कभी मेरा ब्लॉग डालने का भी मन नहीं होता, फिर मैं ये सोचता हूँ नहीं यार एक दिन भी ब्लॉग मिस नहीं करना, बेशक 5-6 मिनट का ब्लॉग डाल दो ताकि आपको पता लगता रहे हाँ ये है, आज ये यहाँ पर है, बस मैं आपको अपनी जानकारी देने के लिए ब्लॉग डालता हूँ, नहीं तो 5-6 मिनट का ब्लॉग मेरा भी डालने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो बस इसलिए डाल रहा हूँ, अभी थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब है, जैसी एक बार डिलीवरी हो जाएगी फिर स्वाति भी थोड़ा फ्रेश फील करेगी और अच्छे से वो वीडियो बना पाएंगे, फिर हम जा भी पाएंगे कहीं ना कहीं, और कहीं जा भी पाएंगे। अभी सुबह से शाम तक सिर्फ घर पे पड़े रहते हैं, सच में बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हम लास्ट वही गए थे, वो अरमान मलिक के यहाँ पे, अरमान मलिक के यहाँ गए थे लास्ट, उसके बाद कहीं नहीं गए। मैं एक बार को रजत के यहाँ एडमिशन देने जरूर चला गया था नोएडा और अहमदाबाद, तो उसमें भी मेरे को वो मजा नहीं आया, जब तक स्वाति नहीं होती ना मेरे को मजा नहीं आता। और अभी मेरे को एक बार और जाना है नोएडा, रजत का एडमिशन हो गया है, बस उसे छोड़ के वापस आ जाऊंगा मैं, तो एक दिन वहाँ भी लगेगा, स्वाति फिर से एक दिन अकेला, मैं एक दिन फिर से मौज करूंगा। तो बस यही है, अभी यही जिंदगी कट रही है, तो फैमिली हो आप मेरी, जो जिंदगी अच्छी होगी तो अच्छा बांटेंगे, बुरा होगा तो बुरा आपको दिखाएंगे, और जैसा चल रहा है वैसा दिखाएंगे, आप फैमिली हो आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज आज का यही ब्लॉग था, बस इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।